नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो है अमित शाह का। वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि अमित शाह ने इस वीडियो में कुछ ऐसा कहा और सामने से कुछ ऐसा आया जिसकी उम्मीद भी उन्होंने नहीं की होगी। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये वीडियो है कहाँ का है और ऐसा क्या है इस वीडियो में कि इस वीडियो के बाद बीजेपी में कोहराम मच गया है। देखिए ये वीडियो। तो आपने सुना, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो रोड शो में ये कहते हैं कि भारत माता की जय, और सामने से जनता उसी जोश के साथ भारत माता की जय कहती है। लेकिन दूसरी बार जब गृह मंत्री कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं जिसके बाद वो बुरी तरीके से वहां पर फंस जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कांग्रेस, और सामने से जवाब आता है जिंदाबाद। इसकी उम्मीद गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं की होगी। बताया जाता है कि अमित शाह जो हैं वो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं। सारी रणनीति, जो चुनावी रणनीति होती है, वो अमित शाह ही बनाते हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी नेता के सामने नारे लग गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता, राजनीति के चाणक्य और बड़ी बड़ी रणनीति बनाने वाले, बताया यह भी जाता है कि बीजेपी अगर यहां आज पहुंची है तो इसके पीछे दो ही लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी को शिखर पर पहुंचाने वाले ये दो बड़े नेता ऐसा माना जाता है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं। लेकिन उसी दिग्गज नेता के सामने इस तरीके से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग जाएं, और अब कांग्रेस ये कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का मुंह वहां पर लटक गया था, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और इसके आगे क्या कुछ हुआ और किस तरीके से बीजेपी के अंदर कोहराम मच गया है इस वीडियो को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। आगे आप देखिए कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का ये जब वीडियो सामने आता है उसके बाद कांग्रेस इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, किस तरीके से उनके नेता कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं, वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करा रहे हैं। यहां तक कि जनता भी इस वीडियो को देखकर मजे ले रही है क्योंकि अमित शाह की जो छवि है, एक ऐसा माना जाता है बहुत ही दिग्गज नेता, ऐसे नेता जिनके सामने बोलने से भी लोग डरते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि मीडिया वाले भी खामोश हो जाते हैं इनके सामने। लेकिन आप देखिए, कोई व्यक्ति उनकी ही जनसभा में आता है और हिम्मत के साथ वहां पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा देता है, और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर खड़े खड़े ये सब कुछ देखते रहते हैं। तो मजे तो अब कांग्रेस लेगी ही। अब हो भी वही रहा है, सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो उनके जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं, नेता जो हैं, वो लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वो खुद ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्ट किया। ये वीडियो एक बार फिर से आप देखिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि इस पर ट्वीट कांग्रेस के कैसे कैसे आ रहे हैं। तो सुना आपने ये वीडियो। अब आपको बताते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कांग्रेस समर्थक ने किया है और इसमें यह लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते अमित शाह, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मतलब बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। क्योंकि भाई, उनकी ही जनसभा, सब कुछ उनका, रोड शो उनका, अमित शाह वहां पर प्रचार बीजेपी के लिए करने गए, लेकिन अब वहां पर कांग्रेस के नारे लग जाएं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस यहां पर यही कहेगी कि प्रचार जो करके आए हैं अमित शाह, वो कांग्रेस का ही करके आए हैं। क्योंकि
आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या अमित शाह की रैली हो, उनकी जनसभाएं हो, रोड शो हो, उसको किस तरीके से वो दिखाती है, उसका प्रचार प्रसार करती है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोलकर देख लीजिए, आपको दो ही चेहरे इस वक्त नजर आएंगे, एक दो और भी चेहरे आपको नजर आ जाएंगे, वो भी बीजेपी के ही होंगे। तो वहां पर अगर इस तरीके की चीजें दिख जाती हैं तो सीधा मैसेज जो है वो जनता के बीच में जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब ऐसे में दूसरे समर्थक जो हैं कांग्रेस के, वो ये लिखते हैं कि ये शब्द सुनना आदत बना लेना चाहिए अमित शाह को, क्योंकि देश की आवाज जो है वो कांग्रेस है। इसके बाद एक और नेता हैं कांग्रेस के, नितिन अग्रवाल, उन्होंने ये लिखा है कि जब अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, तो जनता ने ही नारा लगा दिया जिंदाबाद। इसके बाद सुरेंद्र राजपूत ने भी लिखा, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह जी का मुंह लटक गया, धन्यवाद धार मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता अमित शाह जी को करारा जवाब देने के लिए। अब आपको हमने दिखाया कि कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, जनता किस तरीके से मजे ले रही है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो को देखकर। बीजेपी के समर्थकों का ये कहना है कि भाई कोई भी आकर अगर रोड शो में ऐसे बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इससे पहले भी अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जनसभा कर चुके हैं, वहां पर किसी और के भी नाम के नारे लग चुके हैं। अमित शाह इससे पहले जब उन्होंने जनसभा या रोड शो की होंगी तो वहां पर कुर्सियां भी खाली रही होंगी, ये कोई पहली बार नहीं और कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ, ये कांग्रेस इसलिए इस पर इतना ज्यादा मुद्दा बना रही है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा उठा रही है, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, और ये वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश का है। जी हां, मध्य प्रदेश का ये वीडियो है, धार में रोड शो कर रहे थे अमित शाह जी और वहीं पर ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद ये अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो मुद्दा है वो बन चुका है। क्योंकि आप मध्य प्रदेश की इस वक्त की पूरी सियासी अगर गणित समझेंगे और जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है वो अगर आप देखेंगे, तो बीजेपी किस तरीके से 18 साल से सरकार होने के बावजूद इस वक्त अगर देखें तो मामा को फ्रंट में रखकर चुनाव नहीं लड़ रही है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारना पड़ा है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मोर्चे को संभाला है, लगातार जा जाकर लोगों के सामने बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़े जो अभी तक उन्होंने बीजेपी के दावे और जो कुछ भी देकर जनता को अभी तक एक छलावे की तरह ही रहा है वही फिर से उन्होंने दोहराया है। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता के दिल में शायद कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए सारे दांव बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके अगर क्षेत्र में आप जाएंगे तो ग्वालियर की जनता जो है, जो कभी उनको महाराज के नाम से जानती थी, महाराज कहकर बुलाती थी, आज वो ये कह रही है भाई साहब, और कन्नी काट रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ माहौल बीजेपी के लिए और उनके नेताओं के लिए वहाँ पर बना हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी सीट फंसती हुई नजर आ रही है, उनको भी अब जमीन दिखाई दे रही है, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तो वो बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे नेता कार्यकर्ता जाएंगे चुनाव में प्रचार करने के लिए, लेकिन अब वो भी जमीन पर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जमीन पर नहीं जाएंगे तो जमीन तो वैसे भी खिसक रही ही है। और मामा का तो हाल आप जानते हैं, मुश्किल से टिकट मिला है, और इतना ही नहीं बीजेपी उन्हें सामने भी नहीं कर रही है। तो खबरें तो इस वक्त मध्य प्रदेश को लेकर बहुत चल रही हैं, और इसी बीच अगर कोई अमित शाह के सामने नारा लगा दे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब भले ही बीजेपी समर्थक ये कह रहे हों कि एक ही कोई व्यक्ति उसमें से उठकर आया और उसने अगर बोल दिया तो कांग्रेस ने ही भेजा होगा, हो सकता है ये, तो तसल्ली के लिए तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन जो हकीकत हुई है वो आप सभी जानते हैं। वैसे वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, और जिस तरीके की सियासी जो चीज़ें हैं और इस वक्त बयानबाजी चल रही हैं उसमें बहुत ही बड़ी जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अमित शाह के सामने इस तरीके का नारा जो है वो लग गया। लेकिन ये जो वीडियो आई है, क्या कुछ वहाँ पर हुआ, किस तरीके से नारे लगाए गए, इस वीडियो की पुष्टि डीवी लाइव नहीं करता है।